हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ रबर प्लांट की कटिंग कैसे लगाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास एक रबर प्लांट की कटिंग थी जिसको मैंने इस तरह से सारी ब्रांचों को छोटे छोटे पार्ट्स में काट दिया था। तो अब मैं इसको मिट्टी में लगाऊंगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको लगाया कैसे जाता है। तो सबसे पहला काम, आपके इस दोनों एंड्स पर इस तरह से रूटिंग हॉर्मोन्स लगाना है ताकि इससे पौधा जल्दी से जड़ पकड़ ले। अगर आपके पास ये रूटिंग हॉर्मोन्स ना हो तो आप चाहे तो एलोवेरा भी लगा सकते हैं, क्योंकि एलोवेरा एक बहुत ही अच्छा रूटिंग हॉर्मोन्स का काम करता है। इसी तरह से आप सब में लगा लें। ये देखिए, और ये आखिरी वाली कटिंग भी मैंने इसको इस तरह से रूटिंग हॉर्मोन्स में लगा लिया है। तो चलिए अब आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। आप इन कटिंग्स को ऐसी जगह पर लगाएं जहाँ पर धूप ना आती हो या फिर बहुत ही कम आती हो, ताकि ये कटिंग्स अच्छे से ग्रो कर पाए। तो जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं इस जगह पर लगाऊंगा क्योंकि यहाँ पर मेरे इन पौधों की इनको छाया मिलती रहेगी और यहाँ पर धूप कम आती है। तो मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा ऐसे गड्ढा कर लूँगा इस तरह से, और अब मैं इसमें इसको ऐसे लगा दूँगा। आप चाहें तो बिना पत्ते के भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको पत्ते के साथ लगाऊँगा। पत्ते के साथ लगाने से थोड़ा सा रूट आने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इससे हमें इंडिकेशन भी मिलती है। ये हमारा इंडिकेटर का काम करता है, इससे हमें ये भी पता चलता रहता है कि हमारे स्टेम गल तो नहीं गई या फिर ख़राब तो नहीं हो गई। अगर पत्ता ज़्यादा मुरझा जाए अगले 15-20 दिनों में तो एक बार आप उसे चेक भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आप इसे 30 दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ दें। उसके बाद आप 15 दिन के बाद एक बार इसको पानी दे दें, और कोशिश ये करें कि मिट्टी में हमेशा ऐसे मॉइस्चर बना रहे। तो मैं अब अपनी सारी स्टेम्स इसी तरह से लगा लूँगा। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कि ये आखिरी वाली कटिंग भी मैं यहाँ पे ऐसे लगाने जा रहा हूँ इस तरह से। अच्छे से आप इसको दबा दें मिट्टी में, और उसके बाद अच्छे से इसकी एक बार वाटरिंग कर दें। आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि यहाँ पर मॉइस्चर बना रहे, लेकिन ज़्यादा पानी यहाँ पर खड़ा ना रहे, उससे भी आपकी कटिंग सड़ सकती है। तो जैसा कि आपने अभी देखा, मैंने इसमें पानी डाल दिया है, और देखिए ये पानी तुरंत ही नीचे जा रहा है। मिट्टी हमेशा वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, तभी उसमें कटिंग अच्छे से ग्रो करती है, वरना बहुत ही कम चांसेस होते हैं कटिंग को ग्रो करने के। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलूंगा आपसे इसकी अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपके पास मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आ जाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।